हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है चैनल में। लगातार टीओडी की चर्चा चल रही है, उसी के बीच मतलब ये भारत सरकार है, यानी कि खास करके जो हमारे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, वो लगातार ये जोर दे रही है। उसमें काफ़ी जनरल पुरी साहब भी हैं, ये बता रहे हैं कि यानी जो स्कीम आई है टीओडी की, बहुत ही बेहतर है। ये भारत सरकार भी हमारे को बता रही है कि भाई बहुत बेहतर है। तो इस टीओडी को ये बेहतर क्यों बता रहे हैं और इसको लागू करने का इनका मंसूबा क्या है, वो बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जो हमारा पहले नियमित भर्ती होती थी फौजियों की, आर्मी वालों की, उसमें इनको क्या है, सारी सेवाएं देनी पड़ती थी, बहुत सारे अनगिनत उसमें बेनिफिट्स थे। लेकिन अभी जो ये टीओडी देंगे उसमें कोई भी एक भी बेनिफिट नहीं है, रत्ती भर भी बेनिफिट नहीं है। और इसका सारा जो फायदा है, यानी कि सारा जो निचोड़ है, यानी जो पूरे मंत्री लोग हैं, ये पूरे ऑफिसर लोग हैं बड़े बड़े, उसका फायदा ये खुद लेंगे, इसलिए इसको लागू करने के ऊपर पूरा जोर ये दे रहे हैं। तो अभी बताता हूँ कमियाँ इसमें क्या है, यानी कि एक नियमित जो आर्मी होती थी उसको क्या मिलता था और जो अभी टीओडी है उनको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सैलरी की। तो यानी कि सैलरी जो हमारा नियमित जो पहले भर्ती होती थी उसको सैलरी हमारी 36,000 या 38,000 से चालू थी, ठीक है। उसमें आप 31,700 उस पर 34% डीओ लगा लो, 7400 हो गया। उसके बाद एमएसपी 5,400, उसके बाद 1,800 रुपया उस पर लगा लो टीपीटीएल, इन सबको मिला करके 36,000 हो जाती है। यानी स्टार्टिंग सैलरी 36,000 है और 1,75,000 या 1,00,000, चलो राउंड फिर 1.5 लाख लगा लो, 1.5 लाख तक वो सैलरी जाती है उसकी, क्योंकि सूबेदार मेजर और उसके बाद हमारे बहुत से साहिबान हैं जो ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डनरी कैप्टन भी वो लेकर आते हैं, तो उनकी सैलरी वो अफसर वाली वही 1.25 लाख तक पहुँच जाती है। तो अभी जो हमारा टीओडी अग्निवीर वो क्या देंगे, 30,000 से लेकर के 40,000 सैलरी मिलेगी, वो भी पूरे 4 साल की। अभी बात करते हैं कि दोस्तों सर्विस की। तो जो हमारा जो सर्विस का जो सिपाही होता था हमारे रेगुलर आर्मी का, उसका होता है 17+2, यानी 17 साल सिपाही की सर्विस होती है और 2 साल हर रैंक में वो बढ़ा के सर्विस अपनी कर सकता है। लेकिन जहाँ बात करेंगे टीओडी की, तो टीओडी सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल बाद उनको 75% को घर भेज दिया जाएगा और 25% को जो उसमें महाचमचे होंगे, महाहेल्पर होंगे, जो लगातार उनका चमचागिरी की आदत होगी, वही इसमें 25% सेलेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पेंशन की। तो रेगुलर आर्मी में लगातार हमारे को पेंशन मिलती थी, हमको ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो पेंशन मिलती थी, अगर हमको भी कुछ हो गया तो हमारी फैमिली पेंशन, यानी उसकी 25% पर हमारे जो हमारी नॉमिनी होती है, यानी कि वाइफ है जो भी नॉमिनी उसका, उसको मिलती थी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों उनका ECHS, यानी कि जब भी कोई फौजी रिटायर होकर आता है, सर्विस एक्स सर्विसमैन होता है, उसको ECHS यानी कि मेडिकली फैसिलिटी मिलती है आजीवन जब तक वो जिंदा रहेगा। लेकिन इस जो टीओडी वाले को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी बात करेंगे कैंटीन फैसिलिटी जी की। तो दोस्तों कैंटीन फैसिलिटी जो मिलती है एक्स सर्विसमैन को, उसमें कम से कम अगर रेशो लगाई जाए तो 45-55% सामान पर छूट मिलती है, और जो भी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, उसको दारू भी मिलेगी, लुकर भी मिलेगा, लेकिन टीओडी वालों को उसको कैंटीन की फैसिलिटी कुछ भी नहीं दी जाएगी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों लीव की, यानी छुट्टी। जो हमारे नियमित रेगुलर फौजी उनको 90 दिन की छुट्टी मिलती है एक साल में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनको 1 महीने की छुट्टी ही दी जाएगी। उसके बाद बात करेंगे MSP मिलिट्री सर्विस पे। खैर इसमें भी उन्होंने लोचा कर रखा है कि अफसर की 15,500 है और हमारे जो आजकल जवान हैं चाहे JCOs हैं उनकी सिर्फ 5,400 ही है, लेकिन वो TOD वालों को वो भी नहीं मिलेगी, 5,400 भी नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों उनकी CEA, यानी कि हमारे के आर्मी वालों को, या वो जब सर्विस में रहता है तब भी, और वो भूतपूर्व हो जाता है यानी कि एक्सप्रेस हो जाएगा तब भी, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। एक बच्चे पे 2,250 रुपये मिलते थे, अभी शायद कुछ बढ़ गए हों तो पता नहीं मेरे को, लेकिन टीओडी वालों को इस चीज़ का कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी बात करेंगे दोस्तों आर्मी या सेंट्रल स्कूल होते हैं, जो आर्मी स्कूल होते हैं सेंट्रल स्कूल होते हैं, उनमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, जब सर्विस में रहते हैं तब भी पढ़ते हैं, और अगर आप एक्स सर्विसमैन आ गए हो तब भी आपके बच्चों के लिए इसमें सहूलतियाँ पढ़ाने की, बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, लेकिन आपका टीओडी में इसका भी कोई कोटा नहीं है। अभी बात करेंगे एक्स सर्विसमैन होगा, यानी जब भी हम सर्विस करके आते हैं, यानी 15 साल 3 महीने सर्विस करने के बाद हमारे को एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाता है, किताब मिल जाता है, लेकिन यहाँ टीओडी वालों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालांकि अभी लगातार राजनाथ साहब बात करने के, इनको भैया अग्निवीर बोला जाएगा, अग्निवीर बोलने से होगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी बात करेंगे रिलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जब भी हमारा कोई फौज में भाई होता है या पापा होते हैं तो उनके बच्चों के लिए एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है उस उनके जो अपना सेंटर होता है उससे, या फिर बच्चा जो, या फिर फौजी जब सर्विसमैन की ड्यूटी पर जाता है तो उनके सोल्जर बोर्ड से ये चीज़ बनती है, जिससे कि उनके जो बच्चे या भाई को भर्ती होने में हाइट वेट चेस्ट में छूट मिलती है और एग्जाम के अंदर भी छूट मिलती है, तो वो छूट भी इनको नहीं मिलने वाली है, टीओडी वाले को ये चीज़ नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे फैमिली पेंशन, यानी कि अगर सर्विसमैन को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली पेंशन भी मिलती है, लेकिन टीओडी वालों को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों AGI की, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, यानी कि उसमें कंट्रीब्यूट होता है हमारा, और उसमें जब भी यानी कोई
कोई शहादत को प्राप्त हो जाता है तो उसको 40 से 45 लाख रुपये मिलते हैं रेगुलर आर्मी वाले को। लेकिन यहाँ पर यही इन्होंने एक चीज़ लोभ दिया है आर्मी वाले को, बोला तुमको भाई 44 लाख प्लस बच्चे हुई जो आपकी सैलरी होगी, मान लो आप दो साल में शहादत को प्राप्त हो जाते हो तो यानी 2 साल की बच्ची हुई सैलरी और 44 लाख रुपये आपके घर वालों को दिए जाएंगे। ये इन्होंने मतलब एक तरह से लोभ लालच दिया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों फैमिली फ्री टिकट की, यानी जब भी हम फौज में सर्विस करते हैं तो साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब हम हर साल एक बार पूरे हमारे परिवार में जितने मम्मी पापा भी हैं, बीबी हैं, बाल बच्चे हैं, सबका फ्री टिकट मिलता है, उससे हम ऑल इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं, तो वो टीओडी वालों को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग वही इसमें 6 महीने बता रहे हैं और जो हमारी रेगुलर आर्मी है उसमें 9 महीने तो इन्फेंट्री में होती है और बाकी जो कोर हैं उनमें तो 2-2.5 साल तक की भी ट्रेनिंग चलती है। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें ओनली सरकार का, हमारे राजनेताओं का फायदा है, उन्होंने फायदा दिख रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लेंगे क्योंकि वो लगातार मल्टीपल 10-10 टाइम पेंशन लेते हैं और वो भी अच्छी खासी मोटी मोटी पेंशन मिलती है उनको, हमारी तरह नहीं मिलती उनको 20-25 हज़ार रुपया। और ऐसे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। कुछ जो बाकी जो रिटायरमेंट हैं क्योंकि वो अभी फौज के उसमें नहीं है तो वो इस चीज़ को वैसे गलत बता रहे हैं, लेकिन जो आर्मी जो सर्विस कर रहे हैं वो उसको बहुत बेहतर बता रहे हैं। क्योंकि वो बेहतर इसलिए बता रहे हैं कि जो 25% फौजी लेंगे तो आज की डेट में भी 20-25% तो जो हमारी आर्मी है वो सिर्फ हेल्पर है, बड्डी है। आप किसी भी बड़े बड़े शहरों में देख लो आपको जगह जगह कुत्ता घुमाते हुए हमारे फौजी मिल जाएंगे। तो 25% उनसे वही बचेंगे वो जो उनकी दवा के एकदम उनके जूतों को चमकाएंगे, उनकी हेल्पर ही करेंगे, वही 25% रह पाएंगे, बाकी 75% को धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? गार्ड की नौकरी करने के लिए। दिल पर सलाम ठोकते रहो जैन साहब, वो गेट खोलते रहो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के। तो ये इसके अंदर सिवाय घाटे के कोई भी इसमें अच्छी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो या जो भी आप चीज़ कर रहे हो लगातार कीजिए जब तक सरकार झुक ना जाए, लेकिन शांति प्रिय करिए। आगजनी या किसी भी तोड़ फोड़ के मैं बिल्कुल एकदम सख्त वर खिलाफ हूँ, ठीक है, मैं इन चीज़ों से ना तो आपको बताऊँगा कि ऐसा करो। आप शांति प्रिय है क्योंकि जब महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया था, शांति प्रिय किया था, तो आप भी वही शांति प्रिय आंदोलन कीजिए और आपकी जरूर बात मानी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें सही लगती हैं, तो ज़रूर वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें और अगर आपका सब्सक्राइब कर दें तो बड़ी मेहरबानी। जय हिंद साथियों।